मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? हेलो, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस मॉडर्न दौर में मीडिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो लोग मीडिया का रुख करते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया में कुछ कॉमेडियंस भी आ गए हैं और वो अपने अंदाज में ही रिपोर्टिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूज रिपोर्टर्स के कारनामे दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, इंटरव्यू ऑफ फॉरनर। दोस्तों यहाँ एक जर्मनी का आदमी इन रिपोर्टर्स के बीच में फंस गया बेचारा। इस बेचारे को उर्दू नहीं आती थी और दूसरी तरफ ये रिपोर्टर्स इससे टूटी फूटी इंग्लिश में सवाल जवाब कर रहे हैं। बाकी का इंटरव्यू आप खुद ही सुन लें। You drink? What's your good name? Martin. Huh? My name is Martin. Which position? Commercial officer with the German consulate. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. Nani, you come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. You go? Yes, of course, anytime. Number 2. डांस इन रिपोर्टिंग। दोस्तों एक अच्छा रिपोर्टर वो होता है जो चल रहे मूवमेंट में इन्वॉल्व होने की बजाय इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रिपोर्टिंग को भूलकर इसी मूवमेंट्स में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों के बीच बोलते बोलते इन जनाब का मूड नाचने का हो गया और इन्होंने एक हाथ में माइक पकड़कर डांस भी कर लिया। नंबर 3, रिपोर्टिंग इन सैवेज। दोस्तों यहाँ पानी पर चलने वाली देसी जुगाड़ की एक बोट बनाई गई है जिसकी रिपोर्टिंग करने यहाँ कुछ न्यूज रिपोर्टर आए हैं। ये जनाब सारे के सारे इस पर चढ़ के एक नाले में इसकी राइड ले रहे थे और फिर बोट कुछ अनबैलेंस हुई तो ये सारे के सारे पानी में डूब गए। नंबर 4, अंडरगारमेंट मास्क। दोस्तों कोरोना की शुरुआत के वक्त मास्क की पाकिस्तान में बहुत किल्लत हो गई थी और उस वक्त न्यू N95 मास्क आया था। और जब पाकिस्तान को मास्क की जरूरत पड़ी तो उसने चाइना से मास्क लिए, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को N95 मास्क की बजाय यूज्ड अंडरगारमेंट से बने मास्क भेज दिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। सिंध हुकूमत ने भी बगैर देखे मास्क कतर अस्पताल पहुंचा दिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मास्क को मजाक करार दे दिया। नंबर 5, पावर ऑफ टोमेटो। दोस्तों कुछ अर्सा पहले इंडिया ने एक नीच हरकत की थी। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले टमाटर को रोक दिया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से शायद पाकिस्तानी मर जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल और एक घटिया हरकत थी। और इसका जवाब पाकिस्तान के रिपोर्टर ने कुछ इस तरह से दिया था। तो ये हम टमाटर मोदी के, राहुल के मुंह पर मारते हैं, तोबा तोबा, ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है, इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की सवा अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और यह एटम बम हमने ड्रैंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा तौबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और यह तौबा तौबा का मुकाम है, इंडिया ने यह समझ लिया है। नंबर 6, रिपोर्टिंग ऑफ चांद नवाब। दोस्तों पाकिस्तानी रिपोर्टर में चांद नवाब एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इंडिया की फिल्म बजरंगी भाई जान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इनकी ही नकल की थी, जिसमें ये रेलवे स्टेशन पर ठहर कर सेम टू सेम इन्हीं की नकल कर रहे हैं। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस भड़वेंद्र साहब ने देखो। और कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा, भड़वा देखो, देख सामने देखो। अरे रास्ते में क्यों खड़ा है फिर? तो देखो हमारा सर। नंबर 7, रिपोर्टिंग इन पब्लिक। दोस्तों ये रिपोर्टर इस पब्लिक के बीच में फंसा हुआ है और अपने ऑफिस से आने वाली आवाज का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके पीछे ठहरे इन लोगों का सबर जवाब दे रहा है और वो इसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं रख रहे। आखिरकार जब इनकी बातें सुन सुनकर ये रिपोर्टर अपने मेंटल लेवल पर काबू नहीं रख सका तो इसने पब्लिक से कहा, यार क्या छिछोरापन कर रहे हो, तमीज नहीं है आपको। तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप खुद ही सुन लें।
बात अंडे वाला बर्गर मुझे अंडे वाला बर्गर यार क्या चिचोर बने तमीज नहीं है आपको तमीज कमीज तो पहनी हुई है बस यही कमीज है तुम्हारे पास। नंबर 8 रिपोर्टिंग इन फ्लडिंग। दोस्तों अब आपको एक ऐसे रिपोर्टर दिखाते हैं जो अपना काम दिल लगाकर करते हैं और फिर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ ठहरे हैं और कितने खतरे का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ इस रिपोर्टर को देख रहे हैं किस तरह ये पानी के अंदर ही ठहर कर रिपोर्टिंग कर रहा है। और अब इन जनाब को देखें जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर इस सिलाबी रेले के साथ ठहर कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये फकी सरोवर से गुजर रहा है, काफी तेज ये बरसाती नाला है, ज्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये जो नंबर 9 स्लैप द जर्नलिस्ट। दोस्तों चलिए अब आपको रिपोर्टर को थप्पड़ पड़ते हुए दिखाते हैं। ये फीमेल रिपोर्टर एक पुलिस वाले की करतूत को सामने ला रही थी। बकौल इस रिपोर्टर के, इस पुलिस वाले ने कई औरतों को परेशान किया था। ये इस पुलिस वाले से बार बार सवाल कर रही थी और ये बात शायद इस पुलिस वाले को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने इस रिपोर्टर को थप्पड़ ही दे मारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।